आज की दुनिया उस मुकाम पर जाकर पहुंच चुकी है जहां सब कोई एक दूसरे से आगे निकलने की फिराक में है। इसमें दोस्त देश कब दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आज दुनिया की निगाहें इन देशों पर जाकर केंद्रित हो चुकी हैं जो कुछ भी बना और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यहाँ हम चीन और रूस की बात कर रहे हैं जो आए दिन ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो दुनिया के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। ये तो आप जानती हैं कि रूस आज यूक्रेन के सामने सीना ताने खड़ा है। वहीं चीन की बात करें तो वो भी अपने पड़ोसी देशों के साथ कुछ ऐसा ही करने में लगा हुआ है। दरअसल यहाँ हम एक ऐसे सताए हुए देश की बात कर रहे हैं जो चीन और रूस दोनों से ही परेशान हो चुका है। यहाँ हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है कजाकिस्तान। दरअसल यहाँ कजाकिस्तान को रूस से भी ठोकर लग रही है और साथ ही साथ चीन भी उसको दबाने की फिराक में है। पहले चीन और कजाकिस्तान के बीच में तकरार होती थी तो रूस बीच बचाव करता था, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। अब रूस और चीन ऐसे साथी बन चुके हैं जो एक दूसरे की बुराई भी नहीं सुन सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में हम ऐसा देख पा रहे हैं जिसमें रूस चीन के हाथों की कठपुतली बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कजाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि कहीं उसका हाल भी यूक्रेन जैसा ना हो जाए। अब इन सब में कजाकिस्तान को एक देश ही नजर आ रहा है जो उसकी मदद कर सकता है और माहौल उसके पक्ष में बना सकता है। दरअसल इसी सिलसिले में कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री नूरलान 7 से 10 अप्रैल तक भारत के सरकारी दौरे पर आए थे, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और सैन्य ताकत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वैश्विक आतंकवाद के खतरे से निपटने और शांति बनाए रखने के मुद्दे पर भी चर्चा की। यहाँ हम आपको बता दें कि कजाकिस्तान के साथ ही साथ उज्बेकिस्तान के साथ भी भारत के मधुर संबंध है और इसी के साथ ही साथ ये दोनों ही देश चीन के धुर विरोधी भी हैं। अब ऐसे में भारत रूस और चीन के विरुद्ध एक मध्य एशियाई आधारित मोर्चा भी सफलतापूर्वक खोल सकता है। यहाँ हम बता दें कि कजाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर अलग अलग हथियारों को डेवलप और उनकी को प्रोडक्शन करना चाहता है, जिसमें वो सुखोई 30 को अपग्रेड करके उसकी ताकत को बढ़ाना चाहता है। एक तरह से देखा जाए तो ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है जिसमें वो रशिया और चीन दोनों को ही एक साथ साध सकता है, क्योंकि रूस और चीन दोनों ही पाकिस्तान को सैन्य स्तर पर मदद करते आए हैं और ऐसे में भारत के लिए कजाकिस्तान टिट फॉर टैट का ऑप्शन बनकर सामने आया है। देखा जाए तो यहाँ भारत एक तीर से दो शिकार कर सकेगा, जिसमें रूस और चीन दोनों को एक एक कदम पीछे किया जा सकेगा। यहाँ भारत सेंट्रल एशिया में रूस और चीन के दबदबे को समाप्त करने के इरादे से उन देशों तक अपनी ताकत को विस्तार दे रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत उन देशों से अपनी रणनीति को धार देकर कड़ा संदेश दे सके।